जय हिंद दोस्तों। ऑब्जेक्टिव साइंस ऑब्जेक्टिव के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक साइंस के ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब करवाया। ये जो सवाल जवाब करवा रहे हैं ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला सवाल है, इस सीरीज का पहला सवाल है कि निश्चित द्रव्यमान के चांदी के टुकड़े का तार बनाना है। लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के निम्न संयोजनों में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। देखिए, हमको रेसिस्टेंस ऐसा निकालना है, ऐसा तार को हमको लेना है, चांदी का ऐसा तार बनाना है ताकि उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो बहुत ही न्यूनतम हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कोई आपको तार देंगे और उससे आपको बोलेंगे कि कम रेसिस्टेंस का इसको तार बना के दिखाइए। तो चांदी का टुकड़ा है, अगर हम उसका L लेते हैं और A लेते हैं तो क्या होगा, 2L लेते हैं Al2 लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है L/A पर, यानी उसका जो L हुआ, लंबाई जो हो गया, जितना लंबाई उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। ठीक है, और जितना ज़्यादा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। अच्छा, रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है कि जो चालक होता है उससे विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उस पर ये रोक लगाता है। तो जितना ज़्यादा रोक रहेगा उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल लॉस होगा जो कि हमारे लिए हानि होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को कम करने का उपाय सोचते हैं। तो चांदी का वायर है तो उसका जो L है वो हम छोटा रखेंगे ताकि कम रेसिस्टेंस पैदा हो, और जो क्षेत्रफल हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको ज़्यादा रखेंगे। तो इसको कम रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन जो 3 है वो देखिए बहुत ही सुइटेबल है कि अगर हम उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 2 कर दें और जो लंबाई है उसको आधा कर दें। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होगा उस तार का वो बहुत ही न्यूनतम होगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का 3 आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। 17 का सवाल है कि यदि 1 प्रतिरोध वाले, ठीक है, 1 प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर 2 कर दी जा रही है। ठीक है, कोई 1 का तार लंबाई इतना है, 1 प्रतिरोध वाला तार का लंबाई इतनी है और उसको खींच के हम इसका जस्ट 2 कर दे रहे हैं, तो जो नया प्रतिरोध, जो नया तार बना उसका प्रतिरोध कैसा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या कैसा प्रतिरोध चेंजेस होगा तो देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या हो गया कि उसका तो प्रतिरोध रहा। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, तार को खींचने पर हम लोग जान रहे हैं कि R=, होता है, यानी प्रतिरोध जो होता है वो L/A का होता है। ठीक है, तो जब हम उसकी लंबाई को 2 कर रहे हैं, यानी 2 कर रहे हैं, L को 2 बढ़ा दे रहे हैं, तो उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल घट ना जाएगा। जितना लंबा करेंगे उतना ही उसी के रिस्पेक्टिवली जो है वो क्षेत्रफल घटेगा। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो R बराबर हो गया आपका रो और इधर 4L/A। ठीक है, यानी कि देखिए पहले तो कितना था कि ये R=L/A था। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, यानी इसका ओम कितना हो जाएगा, 4 उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलें, सेशन को लाइक करें, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैं आपको इसमें बहुत सारे साइंस के और बहुत ही उम्दा सवाल कराने वाला हूं, आप बस धैर्य रखें और पूरे सेशन को देखते रहें। हमारा अगला सवाल है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वैद्युत अपघटन होता है, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ऋणायन जो है वो एनोड पर तथा धनायन जो है वो कैथोड पर एकत्रित होते हैं, ऋणायन कैथोड पर, धनायन एनोड पर, ऋणायन तथा धनायन दोनों कैथोड पर, ऋणायन और धनायन दोनों एनोड पर। ठीक है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, दोनों पे तो होते नहीं हैं, और अभी हम ऋणायन और एनायन, ऋणायन मतलब कैटायन और एनायन, ये दोनों पे कहाँ कहाँ एनोड पे जमा होता है। तो इसका पहला वाला जो है वो देख लीजिए वो सही है कि ऋणायन जो होता है, यानी कि जो नेगेटिव चार्जेज होता है वो एनोड वाले जो एनोड जो होते हैं उस पे जाके जमा होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनायन जो होते हैं, वो कैथोड वाले पे जाके जमा होते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला सवाल है हमारा 19 कि वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है, वैद्युत अपघटन के लिए क्या प्रयुक्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, जी नहीं, डीसी धारा, देख लेते हैं, ए और बी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें हम लोग सिर्फ डीसी करंट का यूज करते हैं। अरे भाई, एसी करंट का यूज करेंगे कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस में हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
हम लोग इसमें कौन सा करंट का यूज़ करते हैं, डीसी करंट का, यानी दिष्ट धारा का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 20वां नंबर का हमारा सवाल है कि फैराडे का मात्रक, फैराडे जो होता है वो किस चीज़ का मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कि फैराडे जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है ना, क्या फैराडे, तभी तो हम लिखते हैं ये इतना माइक्रो फैराड का है। ठीक है, ये कैपेसिटर इतना माइक्रो फैराड का है, अरे वही कैपेसिटर जो हमारे फैन उन में लगे होते हैं। ठीक है, अगला हमारे सवाल है कि एक फैराडे कितना के बराबर होता है, यानी कितना उस पर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो लगभग लगभग सभी जानते हैं कि 96,500 होता ही है, लेकिन क्या इसमें, तो मेनली ये सवाल जो है हमारा, ये सवाल इसको सिर्फ एक इनडायरेक्टली रूप से ही हमको यूनिट पूछ रहा है कि एक फैराडे जो होता है वो एम्पियर होगा कि कुलाम होगा कि वोल्ट होगा कि न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये तो बेवकूफ़ जगत जैसा सवाल है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 96,500 कुलाम, क्योंकि कुलाम ही तो होता है चार्जेस। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 22वां नंबर का सवाल है कि किरचॉप का विद्युत परिपथ संबंधी जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है। ठीक है, किरचॉप का जो प्रथम नियम है, किरचॉप दो नियम दिए थे। ठीक है, एक किरचॉप का प्रथम नियम और एक दूसरा नियम, तो प्रथम नियम जो होता है वो किस चीज़ पर आधारित होता है। ठीक है, तो किरचॉप का जो पहला नियम है वो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, अरे किरचॉप का लॉ आपको याद होगा कि जितना करंट आ रहा होता है एक लूप के बाद, जितना करंट आने वाला होता है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट लूप में जाता है तो उसी के क्या होता है, बीज गणितीय योग के बराबर होता है ना, एल्जेब्राइक सम के बराबर होता है। यही तो किरचॉप्स का पहला लॉ है। ठीक है, इसी लॉ के आधार पर, तो इस पर क्या होता है कि अगर आई करंट आ रहा होता है और I1, I2 और I3 अगर करंट यहाँ से इस लूप के बाद अगर निर्गत हो रहा होता है, डिस्पैच्ड हो रहा होता है, तो ये जो I जो है वो I जो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ये किरचॉप्स का पहला नियम है। ठीक है, तो इसका दो नंबर का आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हमारा अगला सवाल जो है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है तुरंत आदमी मार देता है फैराडे। ठीक है, लेकिन ये फैराडे नहीं होगा, यहाँ पे ऑस्टेड होगा। चुंबकीय प्रभाव की खोज क्या किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि कोई एक गतिमान और स्वतंत्र आवेश वाला जो वस्तु होता है वो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि दोनों वाला आंसर हो जाएगा इसमें। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, दोनों उत्पन्न करता ही है। अगला सवाल है हमारा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श वोल्टमीटर है, ऐसे तो दुनिया में आदर्श कुछ नहीं है, आइडियल कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बोलता है कि आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो होता है प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा आपका सही रीडिंग देगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो उसी के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस को जोड़ देने पर। ठीक है, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, आपको ये सब याद रखने हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, समांतर में उच्च प्रतिरोध या श्रेणीक्रम में निम्न प्रतिरोध, नहीं, सीधा सीधा इसका आंसर होगा श्रेणीक्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, सीरीज में अगर आप एक हाईली रेसिस्टेंस वाला यदि आप यूज़ करते हैं तो उसमें वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्टमीटर में कन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, ये सब सारा क्वेश्चन कुछ जानकारी लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, मैं आपसे आशा रख सकता हूँ। चलते हैं, फिर बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है क्या है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, उदासीन राशि, तो होता ही नहीं है भाई, क्या दे दिया उदासीन। ठीक है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर। अगला सवाल है हमारा कि लोहे का परमाणु कैसा है,
प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। लोहा जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक ही होता है ना, लोहा क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, लोहा निकेल वगैरह ये सब जो भी है सब सब फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेरोमैग्नेटिक। हमारा अगला सवाल है, और देखिए निकिल वाला ही गया सवाल, अगला सवाल है हमारा निकिल क्या है, निकिल है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर, लोह चुंबकीय। निकिल भी फेरोमैग्नेटिक में ही आता है। ठीक है, अब ऐसा ना समझ ले कि वहाँ पिछले वाले सवाल में मैंने लोह चुंबकीय लोहा था तो लोह चुंबकीय बोला, निकेल है तो कुछ और हो जाएगा, निकेल भी फेरोमैग्नेटिक ही होता है। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल अभी मैं इसको करने जा रहा हूँ, 30 तक ही बताऊँगा कि क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं जरा सा आप सोच के बताइए। तो कि जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक कोई भी अगर पदार्थ है, लोहा हो या निकेल हो वगैरह हो, तो सब क्या हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर पर लाने पर सब क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका सवाल को कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इन सभी का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आप GS Study Pro टाइप करिएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और इसी तरह से वहाँ पे ग्रुप में मैं बहुत सारे क्वेश्चन को डालते रहता हूँ, वहाँ क्यूज भी आते रहता है, उससे आपको प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुचुंबकीय। ठीक है, वो अनुचुंबकीय हो जाता है, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय में कन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के भी कुल 15 सवाल, मैं अगला 15 सवाल मैं आपको कराऊँगा फिलहाल। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आप अगर आप सर्च करेंगे तो साइंस ऑब्जेक्टिव के नाम से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी तक मैंने जितने कराए हैं। तो चलिए फिर अगला सवाल फिर बाद में होगा, चलते हैं, थैंक यू।